हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस, जहां पर आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के माध्यम से, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। मैंने होमोफोन्स पर कई सारे वीडियोस दे रखे हैं आप सबको, और मैंने करीब 9 पार्ट्स आपको दिए हैं। करीब 9 पार्ट्स आपको मिल चुके होंगे। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो ये वीडियो पसंद आने के बाद आप उन पार्ट्स को देख सकते हो, पर पहले तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये वीडियो किस चीज़ पर बनाई गई है और इसमें मैंने आपके लिए क्या लाया है जो खास है। खास तो वैसे कुछ भी नहीं है, जो लोग होमोफोन्स की वीडियोज़ मेरी बहुत सारी देख चुके हो उनके लिए तो ये खास नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार हो उन लोगों के लिए ये खास वीडियो ज़रूर हो सकती है, क्योंकि होमोफोन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। होमोफोन्स क्या होता है पहले मैं ये बता दूँ आपको, जबकि मैं सारी वीडियोज़ में ये बात मैंने बताई है, और फिर से मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि होमोफोन्स होता क्या है। तो होमोफोन्स हम वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका उच्चारण एक समान होता है, लेकिन उनके अर्थ और उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। जब मैं उन दो शब्दों को बोलूँगा ना तो वो एक ही जैसी आवाज़ आएगी, एक ही जैसी ध्वनि आएगी, लेकिन जब उनकी स्पेलिंग मैं देखूँगा या आप देखोगे और जब उनके अर्थ को देखोगे तो आपको लगेगा कि इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनके अर्थ भी अलग हैं, लेकिन एक समान है क्या? तो एक समान है इसका साउंड, इसका वॉयस, इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़। तो आज मैं कुछ वर्ड्स लेकर गया हूँ आप सबके लिए इस वीडियो के लिए, जिसमें आप 12 पेयर जानने वाले हो होमोफोन्स के, यानी 12 ऐसे वर्ड्स लाया हूँ जिनको बोलने पर ना एक ही जैसी साउंड आएगी पर उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस, ACCESS, इसको पढ़ते हैं एक्सेस, जिसका मतलब होता है पहुँच। यानी पहुँच का मतलब वो पहुँच नहीं है जिसके वो पहुँच गया या वह पहुँच चुका होगा या फिर वह पहुँच गया होगा, चुका होगा, ऐसा वो पहुँच की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर पहुँच का मतलब है यानी एक प्रकार का पैरवी, यानी एक प्रकार का वैसी पहुँच, यानी एक प्रकार की वैसी परिचय, जान पहचान, है ना, या वहाँ तक, उस लेवल तक होना, वो पहुँच है। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुँच। अब ये जो एक्सेस है ECCESS, इसको भी हम एक्सेस ही बोलते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी एक्सेस, ये भी एक्सेस, लेकिन इस एक्सेस का मतलब है पहुंच और इस एक्सेस का मतलब है अत्यधिक। नंबर टू, एल, AIL और फिर ALE, ये दोनों वर्ड एल ही हैं, लेकिन इस एल का मतलब है कष्ट या दुख, जबकि ALE का मतलब है जौ की शराब, यानी जो शराब जौ से बनाई जाती है उसको भी हम एल कहते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि AIL कष्ट या दुख और ALE एल जौ की शराब। नंबर थ्री, एंटिक, ANTIC, एंटिक मीन्स होता है ठिठोलियापन, और जब एंटिक को दूसरे तरीके से लिखते हो ना QUE करके, ANTIQUE, यहाँ पर सी था और यहाँ पर सी के बदले में QUE आया हुआ है, तो इसे भी एंटिक बोलते हैं, इसे भी एंटिक बोलते हैं, पर इस एंटिक का मतलब है ठिठोलियापन और इस एंटिक का मतलब है प्राचीन यानी प्रिमिटिव, एंशियंट यानी बहुत ही जो पुराना हो उसको हम एंटिक कहते हैं। फिर कुछ लोगों मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्यू के बाद यू ई का आना क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्यू के बाद यू आता ही है अगर वो अंग्रेजी का शब्द हो तो, और इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको मैंने बताया था, समझाया था, इसलिए यूँ समझ लेना कि क्यू के बाद यू आता ही है किसी भी शर्त में, किसी भी सिचुएशन में, लेकिन वो अंग्रेजी के शब्द होने चाहिए। नंबर फोर, आर्क, ARC, आर्क का मतलब होता है चाप, और अगर ARCH करते हो ना तो इस आर्क का मतलब होता है बरीनाव, इसको आर्च मत बोलना, इसलिए क्योंकि CH का उच्चारण इसमें च नहीं होता, इसमें CH से क होता है, और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है आपको कि CH का उच्चारण क कब किया जाता है, तो CH से सिर्फ क ही नहीं होता, श भी होता है, च भी होता है, और ये क भी होता है। नंबर फाइव, असेंट, असेंट की स्पेलिंग है ASCENT और फिर ASSENT, इन दोनों का सेम मतलब ही है, असेंट असेंट, लेकिन इस असेंट का मतलब है चढ़ाव और इस असेंट का मतलब है सहमति, यानी राजी होना, सहमत होना, उस सेंस में है सहमति। नंबर सिक्स, आसेज, ASHES, ये भी आसेज और ASSES, आसेज, दोनों आसेज है लेकिन दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है, ये SH का जो है ना उसमें आप तलब्य श की ध्वनि को निकालोगे आसेज, और इसमें आप तलब्य श की ध्वनि नहीं निकालोगे, सिर्फ आसेज ऐसे कह दोगे, तो दोनों को आसेज ही पढ़ते हैं, लेकिन इस आसेज का मतलब राख है और इस आसेज का मतलब है मूल्यांकन करना यानी किसी भी चीज़ का मूल्य लगाना। नंबर सेवन, ओरल, इसे पढ़ते हैं हम ओरल, AURAL और इसे भी हम ओरल कहते हैं ORAL, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस तो है उच्चारण करने में, डिफरेंस क्या है कि इसको आप ओ की मात्रा देकर बोलेंगे ओरल, और जबकि आप इसको ओ की मात्रा देकर बोलेंगे ओरल, तो दोनों में हल्का सा फ़र्क है, पर बहुत सारे राइटर्स इसको फ़र्क को नहीं बताते या वो नहीं बताए हैं, लेकिन फ़र्क है इसमें,
कुछ राइटर के अकॉर्डिंग। सो ये ओरल है और ये ओरल है, तो इस ओरल का मतलब है कर्ण संबंधी। कर्ण संबंधी कहने का मतलब क्या है, हमारे कान से संबंधित है ना जो चीज़ें हैं वो है कर्ण संबंधी। अभी इस ओरल की बात करते हैं, ओ आर ए एल, तो इसका मतलब होता है मौखिक, जैसे कि ओरल एग्जाम्स, ओरल टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, उसमें लिखने विखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं ओरल एग्जाम्स, ओरल टेस्ट, या और भी बहुत सारी चीज़ें हम ओरल के साथ लगा सकते हैं। नंबर 8, बॉल, बी ए डबल एल। इस बॉल का मतलब तो गेंद होता है, गेंदबाजी करना भी होता है, लेकिन ये जो बॉल है ना, इसको बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बाउल पढ़ देते हैं, लेकिन बाउल कब होता है, बी ओ डब्ल्यू एल, लेकिन यहाँ है बी ए डब्ल्यू एल, इसको भी बॉल ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब हो जाता है चीखना या फिर चिल्लाना। नंबर 9, बॉर्डर, बॉर्डर भी दो तरीके से लिखा जाता है, एक बी ओ आर डी ई आर बॉर्डर, सिंपल बॉर्डर जो सबको पता है, और ये वाला जो बॉर्डर है बी ओ ए आर डी ई आर, है ना। तो इन दोनों के स्पेलिंग तो अलग है ही, पर इनको जब बोलोगे ना तो एक ही साउंड निकलेगी, क्या, बॉर्डर। तो इस बॉर्डर का मतलब है छत्रावासीय लड़का को हम बॉर्डर कहते हैं, छत्रावासीय लड़का। और इस बॉर्डर की जब बात करें बी ओ आर डी ई आर, तो इस बॉर्डर का मतलब है सीमा या किनारा, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर या फिर किसी भी देश का बॉर्डर, है ना, उस बॉर्डर की बात हो रही है। और इसका दूसरा अर्थ जो है वो किनारा है, जैसे कि साड़ियों का बॉर्डर है ना, उसका जो किनारा वाला साइड होता है, किनारे वाली जो प्लेसेस होती है उसको भी तो हम बॉर्डर कहते हैं। तो बॉर्डर मीन्स किनारा भी और बॉर्डर मीन्स सीमा भी। नंबर 10, बॉ, बी ओ यू जी एच, इसे हम बॉ पढ़ते हैं। फिर पूछोगे बॉ क्यों, इसको बॉघ क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने 12 खरी में क्या याद किया है, जी एच से घ होता है, तो फिर यहाँ भी घ होना चाहिए ना, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अंत में आते हैं ना जी एच, तो वहाँ पर जी एच साइलेंट हो जाते हैं, जैसे कि सिर्फ यही नहीं है, हाई है, थाई है ना, दो है, अलदौ है, बौ है, ने है, लगभग 8-10 वर्ड आपको मिल जाएंगे जिनके अंत में जी एच आते हैं, और वहाँ जी एच का उच्चारण घ नहीं होता, वहाँ पर वो साइलेंट हो जाता है। पर कुछ ऐसे हैं जिनके अंत में जी एच तो आते हैं, लेकिन वहाँ पर ना घ होता है और ना ही वो साइलेंट होता है, बल्कि वहाँ पर जी एच का उच्चारण हो जाता है फ, जैसे कि रफ, टफ, लॉफ, कफ, इनफ, इन शब्दों में फ होता है। तो अब बात करते हैं 10 नंबर की, इसी की तो बात चल रही थी, बी ओ यू जी एच, बॉ मीन्स होता है डाली, और जब बी ओ डब्ल्यू करते हो ना, इसे भी बॉ ही कहते हैं, इसका मतलब होता है झुकना, झुकाना इत्यादि, यानी किसी के सामने अपना सिर झुकाना या झुक जाना, वो बॉ है और ये भी बॉ है। पर बी ओ यू जी एच बॉ डाली, और बी ओ डब्ल्यू यानी झुकना, इसका सेंस किसका है, ब्रांच का है, ब्रांच मीन्स भी तो डाली होता है, तो ब्रांच एक फेमस वर्ड है जबकि बॉ नहीं है। नंबर 11, बिलो, बी ई डबल एल ओ डब्ल्यू, गुस्से में जोर से चिल्लाना, जब कोई गुस्से में जोर से चिल्लाए तो वहाँ पर आप बिलो का यूज़ कर सकते हो, और शाउट का भी मतलब होता है गुस्से में जोर से चिल्लाना, ठीक है। तो बिलो मीन्स होता है गुस्से में जोर से चिल्लाना, लेकिन अगर बी ई एल ओ डब्ल्यू कर दो ना, यानी इसमें से एक एल को अगर आप हटा लो सपोज डैट, तो ये बिलो हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा के नीचे, तो दोनों बिलो ही है, लेकिन एक का मतलब है गुस्से में जोर से चिल्लाना, कब, जब डबल एल होगा, और सिंगल एल होने पर इसका मतलब होगा के नीचे। आज का ये लास्ट पेयर है ब्रिडल, बी आर आई डी एल ब्रिडल, और बी आर आई डी एल ई ब्रिडल, दोनों ब्रिडल ही है, लेकिन इस ब्रिडल का मतलब है वैवाहिक, यानी जो शादी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, और ये जो ब्रिडल है लगाम लगाना, बागडोर लगाना, जैसे कि घोड़े को लगाम लगाया जाता है, या और भी बहुत सारे पालतू जानवरों को हम लगाम लगाते हैं, उस लगाम की बात हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 12 पेयर्स होमोफोन्स के लिए जो मैं आपके लिए लाया था। ये वर्ड्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना, और एक नहीं बल्कि अब कुल मिलाकर के आपको 10 पार्ट्स मिल गए हैं होमोफोन्स पर, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब सारी वीडियोज़ को देख करके जितने भी होमोफोन्स हैं उन सबको एक जगह एक नोटबुक में, अच्छी से नोटबुक में कलेक्ट कर लो, लिख लो, और इस पर एक अच्छी पकड़ बनाओ, क्योंकि एक बार में 10 होमोफोन का पार्ट्स मिल पाना बहुत मुश्किल है। मैंने कई किताबों के अकॉर्डिंग मैंने कई किताबों के जरिए 10 पार्ट्स मैंने बनाए, वरना इतने सारे पार्ट्स नहीं बन पाते, क्योंकि आप समझ सकते हो और एहसास भी कर सकते हो कि इतने सारे होमोफोन्स आपको किसी भी बुक में एक बार में नहीं मिल सकती है। मैंने 10-12 बुक्स की सहारा लेकर के इतने सारे मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको देखें, उनके वर्ड्स को नोट करें, और अपने वोकैब पावर को भी डेवलप करें, ताकि आगे चलकर के आपको अंग्रेज़ी बोलने में, लिखने में, सुनने में जो भी आपसे मिस्टेक्स या एरर्स हुआ करती है वो नहीं हो। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से बाय बाय एंड सी यू।